जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर पेपर टू, जिसमें हमारे पास ड्रामा है। सबसे पहले ड्रामा हम करेंगे ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर के बारे में थोड़ी जानकारी। आर्थर मिलर का जन्म हुआ 1915, मृत्यु हुई 2005। आर्थर मिलर वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड एसेइस्ट। वो एक अमेरिकन प्ले राइट थे, यानी ड्रामा लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे। हिज फादर वॉज फाइनेंशियली रूइंड इन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तब उसमें उनके पिताजी बैंकक्रप्ट हो गए, यानी बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं था। दिस इंसिडेंट अफेक्टेड मिलर ट्रिमेंडसली। इसके वजह से मिलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो बहुत डिप्रेस हुए। दिस नॉलेज ऑफ इकोनॉमी रिमेन द सेंट्रल थीम ऑफ हिज प्लेस। इसके वजह से ये जो इकोनॉमी का जो उनको झटका लगा था वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए, और उनके बहुत सारे प्लेज में, अधिकतर प्लेज में यही उनकी सेंट्रल थीम रही है। दिस नॉलेज ऑफ इकोनॉमी रिमेन द सेंट्रल थीम ऑफ हिज प्लेस। यानी जब बचपन में हमारे दिमाग में कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जिससे हमें असर मिलता है, हो जाता है हमारे ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो ज़रूर निकलता है। ड्यूरिंग हिज यूथ ही वर्क्ड इन वेरियस फील्ड्स दैट एक्सपीरियंस मेड हिम अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ द लोअर मिडिल क्लास पीपल। जब वो यंग थे तो उन्होंने बहुत सारे तरह तरह के काम किए, यानी जहाँ काम मिलता था वो करते थे। जब उन्होंने इस तरह से काम करे तो उनको बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। उन एक्सपीरियंसेस से उनको पता चला कि लोअर मिडिल क्लास लोगों की क्या सिचुएशन होती है, वो कितने मुश्किल से जीते हैं, डे टू डे लाइफ उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट होती है, और फिर भी वो किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो व्यवस्थाएँ हैं, वो जो मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ती हैं, उन सब के बारे में आर्थर मिलर को फर्स्ट हैंड नॉलेज हुई। He considered himself as an American liberal. वो अपने आप को एक अमेरिकन लिबरल मानते थे। लिबरल यानी फ्री टू डू वॉट ही wants, और इस वजह से उनके जो विचार थे वो भी बहुत फ्री थे। मिलर फ्रीक्वेंटली फेस डिफ़िकल्टीज विद कॉन्जर्वेटिव एंड रिएक्शनरी सर्कल्स इन अमेरिका। मिलर कई बार बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ता था। जो कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी थी और जो रिएक्शनरी सर्कल्स थे, यानी वो जो कुछ कहते थे उस पे जो कंजर्वेटिव लोग थे वो रिएक्ट करते थे, और दूसरे लोग जो इनका लिबरल विचार थे उसके ऊपर रिएक्ट करते थे। इसलिए मिलर को कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मिलर अपने विचारों से, अपने व्यूज से कभी नहीं हटे, और उन्होंने इन सब चीज़ों को फेस किया। अब मिलर के काम। मिलर ने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं। सबसे पहला द क्रूसिबल, फिर डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, द प्राइस, फिर आफ्टर द फॉल, ब्रोकन ग्लास, ऑल माई सन्स जो आपके कोर्स में है, फोकस है, एक उपन्यास है, अकेला नॉवल जो उन्होंने लिखा।